नमस्कार मित्रों, आप सभी का डेली मोटिवेशन हिंदी चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक घमंडी कौवे की। तो हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था, उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौवा मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर भी क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से उड़ना जानते भी नहीं हो। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नरहंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली और यह तय हुआ कि प्रतियोगिता दो चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने कर्तव्य दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे को हंस के कर्तव्य दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता था। वही हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया था। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता, ही ही ही। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो गया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो, भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होने गए और कौवे का बड़बड़ाना भी बंद होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी को क्यों छू रहे हो, क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। और वह कौवे को अपनी पीठ पर बिठाकर वो वापस तट की ओर उड़ चलता है। तो दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले हमें पता ना हो पर हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है और उसे विशेष बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयां हो पर यदि हम उस पे घमंड करते हैं तो देर सवेर हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। और एक पुरानी कहावत भी है कि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने में आप भी कौवे वाली गलती ना कर पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, नए हो ये चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।